तो दोस्तों पोको का M5 स्मार्टफोन तो लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन यार पोको की M5 प्रो स्मार्टफोन का क्या? दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पोको M5 प्रो ये स्मार्टफोन भी काफी सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया जा चुका है, और दोस्तों ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च भी किया जाने वाला है। फिलहाल के लिए स्मार्टफोन की क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाली, क्या कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे दोस्तों कि ये स्मार्टफोन कब तक और किस प्राइस पर लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो भाई हमेशा की तरह सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी जान पहचान करेंगे, लेकिन यार जान पहचान के लिए अभी तक स्मार्टफोन के कोई भी रेंडर्स वगैरह सामने नहीं आए। बट दोस्तों इतना तो कंफर्म हो चुका है कि ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है। प्लास्टिक की फ्रेम होगी, प्लास्टिक का बैक आपको मिलेगा, फ्रंट में पॉसिबली आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलने वाला है। सो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी मिलेगी, उसमें कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और रही बात डिज़ाइन की दोस्तों, तो एज ऑलवेज दोस्तों यहाँ पर जो पोको का डिज़ाइन लैंग्वेज होता है कुछ वैसा ही डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बैक साइड में आपको यहाँ पर बड़ा सा एक आइलैंड देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको दो कैमरा की हाउसिंग मिलेगी, साथ ही में LED फ्लैश और पोको की ब्रांडिंग भी आपको उसी आइलैंड में देखने को मिल जाएगी। तो भाई डिज़ाइन लैंग्वेज कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली कैसा होगा दोस्तों, ये तो यहाँ पर स्मार्टफोन के रेंडर्स आने के बाद ही पता चलेंगे। रही बात यहाँ पर फ्रंट लुक की, तो भाई फ्रंट में आपको यहाँ पर सेंटर पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, पतले पतले बिजल्स होंगे, पतले पतले चेन आपको देखने को मिल जाएंगी। सो भाई फोन फ्रंट लुक से भी अच्छा रहने वाला है, बैक लुक से भी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही फोन के अच्छे रहेंगे, दोनों में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई लीक्स के आधार पर ही सही, लेकिन हमने थोड़ी मोड़ी जान पहचान तो कर ही ली है, तो हमें ये तो पता चल चुका है कि ये स्मार्टफोन कैसा देखने को मिल सकता है, बिल्ड क्वालिटी क्या होगी। लेकिन यार स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाली है, क्या हमें स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं, तो भाई चलिए बढ़ते आगे और शुरू करते हैं फोन के मुखड़े से। दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलने वाली 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED पैनल। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है, साथ ही में 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो होगा और लगभग 400 PPI का आपको यहाँ पर सपोर्ट भी मिल जाएगा। इन सभी के अलावा वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और अप टू 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो भाई इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटीज के भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। सो ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग के लिए तो डिस्प्ले यहाँ पर काफ़ी सही रहेगी। इसके अलावा अगर हम गेमिंग की बात करें तो 120 हर्ट्स की फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्स की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट भी मिलेगी। सो भाई देखा जाए तो डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के साथ साथ गेमिंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। सो आपको यहाँ पर ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी से कहीं भी कोई शिकायत नहीं आएगी। तो भाई हमेशा की तरह यहाँ पर मुखड़ा तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन अगर फ़ोन की आंखों की बात करें तो भाई बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास की हाउसिंग मिलने वाली है, जहाँ पर मेन कैमरा लगा होगा 48 मेगापिक्सल का, साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिलेगा। और सेल्फी की बात करें गाइस तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर थोड़ा सा डिसेंट टाइप का रहने वाला है, और इमेज आउटपुट भाई पोको के सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर थोड़े से डिसेंट ही होते हैं। सो आउटपुट आपको यहाँ पर थोड़े से डिसेंट मिलेंगे। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, सो यहाँ पर आप बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 60 FPS, और फ्रंट कैमरा से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। सो कैमरा परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से डिसेंट रहने वाली है। तो भाई चेहरा और आंखों के बाद नंबर आता है फोन के ब्रेन का, और भाई अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन तो यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फोन के अंदर लगा होगा स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों यही चिपसेट हमें अभी रिसेंटली iQOO Z6 Lite स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिला था, और भाई सच कहूँ तो बहुत अच्छा प्रोसेसर है, आपको बहुत अच्छी और स्टेबल परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। बात करें इस चिपसेट की दोस्तों, तो 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, हीटिंग वगैरह की शिकायतें आपको यहाँ पर काफ़ी कम मिलती हैं, और बैकअप भी काफ़ी अच्छा निकाल कर देता है। वैसे फोन के अंदर लिक्विड कूलिंग फीचर्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, सो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई शिकायत नहीं आने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं इस चिपसेट के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में दोस्तों। तो ये चिपसेट बना हुआ है ARM V8 के आर्किटेक्चर पर, जहाँ पर आपको मिलते हैं टोटल 8 कोर। पहला 2 कोर आपको मिलेगा 2.0 GHz पर कोटेक्स A78 का, जी हाँ दोस्तों काफ़ी अच्छा कोर है। साथ ही में बाकी के 6 कोर आपको मिलेंगे 1.8 GHz पर कोटेक्स A55 के, जो कि आपके लोअर टास्क और पावर एफिशिएंसी के लिए बनाए गए हैं। सो यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है दोस्तों डेली टास्क और मल्टीटास्किंग के लिए वो काफ़ी अच्छी रहती है, वहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर मिलता है एड्रेनो 619 का GPU, हालांकि 2 कोर का GPU है, लेकिन आपको गेमिंग अच्छी कराता है। साथ ही साथ अगर आप यहां पर हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग या फिर रेंडरिंग जैसे टास्क करना चाहें भाई, तो वो भी आप यहां पर कर सकेंगे। सो परफॉर्मेंस आपको यहां पर अच्छी मिलने वाली है, परफॉर्मेंस वाइज आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आएगी। बट दोस्तों यार ब्रेन का काम तो सिर्फ आदेश देना होता है, वो तो अपना काम जरूर करेगा,
लेकिन क्या यहाँ पर हाथ और पैर इसके आदेश मानने लायक हैं या नहीं, तो चलिए जानते हैं। बात करते हैं फोन की रैम और स्टोरेज की गाइस। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 4, 6 और 8 GB की रैम मिलने वाली है। रैम की क्वालिटी होगी LPDDR4X। तो भाई यहाँ पर रैम तो काफ़ी अच्छी है, स्टोरेज की बात करें तो 128 और 256 GB की स्टोरेज आपको मिल जाएगी और स्टोरेज की क्वालिटी होगी UFS 2.2। सो परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ रीड राइट और ऐप लोडिंग परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर अच्छी और फास्ट मिलने वाली है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉडल फोन का यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, उसमें आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि यार ये स्मार्टफोन उछल कूद मचाने में माहिर होगा। और भाई जब इतनी उछल कूद मचाएगा, मारधाड़ करेगा, तो इसे थकान भी ज़रूर होगी, थकान के साथ साथ इसे भूख भी ज़रूर लगेगी। तो इसकी भूख को मिटाने के लिए फ़ोन के बैक साइड में आपको 5000 mAh की एक अच्छे साइज़ की बैटरी भी मिलने वाली है। तो भाई देखा जाए तो 6 nm का चिपसेट आपको मिल रहा है, AMOLED की पैनल भी मिल रही है और दोनों ही यहाँ पर बैटरी को काफ़ी कम कंज्यूम करने वाले हैं। तो यहाँ पर यह भी साफ हो गया गाइस कि आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से मिलने वाला है। साथ ही में ये जो फ़ोन है ये 33 W की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, चार्जर बॉक्स के अंदर मिलेगा, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलेगी। तो बैटरी मॉडल फोन का यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, यानी कि दोस्तों पेट भी अच्छा होगा और खिलाने की जो शक्ति है दोस्तों वो भी यहाँ पर अच्छी होने वाली है। सो ओवरऑल बैटरी मॉडल में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भाई जब हमने इसके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ही ली है, तो चलिए ये भी जानते हैं कि स्मार्टफोन का पहनावा कैसा होगा। सो गाइस यहाँ पर आपको मिलने वाला एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, 3.5 mm का जैक फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आपको यहाँ पर सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिलेंगे, तो ऑडियो आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट मिलेगी। बट आप में से यहाँ पर काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे यार कि यहाँ पर कार्ड ऑप्शन तो होगा ही, चाहे हाइब्रिड ही क्यों ना हो। पर दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी के लीक्स के हिसाब से तो ऐसा ही होने वाला है। अब हो सकता है दोस्तों कि इंडिया में पॉसिबली हमें यहाँ पर देखने को मिल भी जाए। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी कार्ड ऑप्शन नहीं होगा, जिसका मतलब कि आपको यहाँ पर जो भी इंटरनल मेमोरी मिलने वाली है उसी से आपको यहाँ पर काम चलाना पड़ेगा। रही बात फोन की आत्मा की दोस्तों, तो ये फोन आएगा एंड्रॉइड 12 बेस MIUI 13 पर। तो थोड़े मोटे बग्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, थोड़े मोटे ब्लॉटवेयर्स वगैरह भी मिलेंगे, लेकिन और जो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है दोस्तों वो आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी, उसमें आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। और फाइनली दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की। सो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा, ये स्मार्टफोन काफ़ी सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया जा चुका है। तो अभी स्मार्टफोन के लिए ये कहा जा रहा है, यानी कि लीकर्स का मानना ये है कि ये जो स्मार्टफोन है ये हमें दिसंबर एंड तक इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। और वो भी दोस्तों यहाँ पर अगर सब कुछ सही रहा तो, अगर थोड़े मोड़े यहाँ पर टाइमिंग की गड़बड़ होती है तो पॉसिबली ये स्मार्टफोन हमें अगले साल की स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा। और रही बात स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो भाई स्मार्टफोन का 6 और 128 वाला जो वेरियंट है ये कहा जा रहा है कि हमें अंडर 15,000 rupees की प्राइस पर देखने को मिल सकता है। वैसे अगर आपने स्पेसिफिकेशन पर ध्यान दिया होगा तो गाइस ये बिल्कुल भी वही स्मार्टफोन होने वाला है जो कि हमें Redmi Note 12 5G के तौर पर चाइना में लॉन्च होता हुआ देखने को मिला था। सो यहाँ पर कोई भी नया स्मार्टफोन नहीं होने वाला, बिल्कुल भी रीब्रांडेड स्मार्टफोन ही होगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज होगी और बाकी के जो फीचर्स है दोस्तों वो लगभग आपको यहाँ पर सेम ही देखने को मिलेंगे। और 15,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो फ़ोन अच्छा रहने वाला है। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।